देखिए, जो आरबीआई के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप बैंक हमारा 2000 के नोट एक्सचेंज कर रहा है। बहुत ज़्यादा कस्टमर की तो आज भीड़ नहीं दिखी मुझे शाखा में। कुछ कस्टमर आए हैं, इस प्रक्रिया को फॉलो करके उन्होंने एक्सचेंज कराया है नोट। कैसे, क्या रिटर्न के प्रोसेस है सर? पैसे से फॉर्म सबमिट करते हुए जो नॉर्मल फॉर्म है वही फॉर्म से हम पैसे जो है कस्टमर से ले रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। किस तरीके से रिटर्न का प्रोसेस है सर? जो आपका जो आरबीआई के दिशा निर्देश है उसके हिसाब से जितने नोट आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं हम उनको दे रहे हैं और उनको रिटर्न कर रहे हैं खाते में भी कर रहे हैं। जो नोट उनको एक्सचेंज करना है आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार जितने, वो दूसरे नोट के डिनोमिनेशन में भी दे रहे हैं। संख्या कितनी बात करें, कितने एक दिन में कितने नोट आप एक्सचेंज कर ले रहे हैं एक कस्टमर से? देखिए, अभी तो आज पहला ही दिन है, लेकिन जो नॉर्म्स है कि आपको आरबीआई के 10 नोट जो है एक्सचेंज करने हैं 2000 के, उसी दिशा निर्देश का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक सेपरेट काउंटर ओपन किया है, जो 2000 के नोट चेंज करने आएंगे और डिपॉजिट करने आएंगे तो उन्हें रेगुलर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हमने एडिशनल स्टाफ भी उसके लिए रखा है कि जी लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पे चेयर्स सफिशेंट हैं, इनकेस ज़्यादा भीड़ होती है तो उसके लिए बैठने की व्यवस्था है, और बाकी अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो पुलिस से भी सपोर्ट हम लेने की पूरा। देखिए, जिनके अकाउंट्स नहीं है तो वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो 20,000 तक तो एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, तो 20,000 तक के वैल्यू के नोट्स वो एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर द काउंटर बिना अकाउंट होते हुए भी। जिनके अकाउंट हैं वो अकाउंट में बिना किसी लिमिट के पैसे जमा कर सकते हैं, उनका बस अकाउंट जो है वो KYC कंप्लायंट होना चाहिए। उसके लिए हमने सेपरेट काउंटर की व्यवस्था करी।